ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको एक ऐसा तंत्र देने वाला हूं जिससे कि आप किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल प्रयोग है जिसे कि कोई भी कर सकता है, और एक बार किसी पर ये लगा दिया जाए तो जन्म जन्मांतर तक वो बस आप ही का होके रह जाएगा। इस प्रयोग को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। बुधवार और शुक्रवार ये दो दिन हैं जो इसके लिए शुभ रहेंगे, और ये इतना चमत्कारी प्रयोग है कि पहले ही दिन से आपको असर दिखाना शुरू कर देता है। जो जो जिज्ञासु, जो जो साधक गण चाहते हैं कि वो तंत्र का चमत्कार देखें, तो मेरा ये प्रयोग अवश्य ट्राई करें। इससे आप किसी को भी वशीभूत कर सकते हैं, अपनी कोई भी कामना जो आपके भीतर हो उसको साकार कर सकते हैं, आपकी विशेष पूरी हो सकती हैं, इससे आप जो चाहते हैं वो हो सकता है, किसी को आकर्षित करना हो, पैसे अगर कहीं पर फंसे हुए हों उनको निकालना हो, या फिर पैसे आ ही ना रहे हों किसी भी सोर्स से, तो भी ये काम करता है। तो यूँ समझिए कि इच्छा पूर्ति का ये यंत्र है, और इसको आप किसी भी अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। जब कहीं पर भी काम ना बन रहा हो तब ये यंत्र काम में आता है, और इस यंत्र को कामया सिंदूर से बनाना है। मैं पहले ही बता दूं कि कामया सिंदूर जो है वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। जिन्यून जो है वो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे काली विद्या पर, क्योंकि उन्हें मैं खुद स्वयं टेस्ट करके फिर आपको बता रहा हूँ। अगर कहीं से काम ना बन रहा हो तो एक बार काली विद्या से प्रोडक्ट लें और वहाँ से जो है इन यंत्रों को बनाएं, तो आपका यंत्र सटीक बन जाएगा। अब आपको करना क्या है कि ये जो यंत्र आप देख रहे हैं, इस यंत्र को पूर्वमुखी होकर कामया सिंदूर से बनाएं। कामया सिंदूर से इसका निर्माण करें, और निर्माण के समय आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए। एकांत में किसी वन प्रदेश में जाएं, किसी गुफा में जाएं, किसी नदी तट पर जाएं और इस यंत्र का निर्माण करना शुरू कर दें। निर्माण पश्चात आपको यंत्र को किसी काले धतूरे के पेड़ पर टांगना है। यंत्र को पेड़ पर टांगकर बिना पीछे मुड़े देख, बिना पीछे देखें आप सीधे घर की ओर चले आएं। और याद रहे कि जब आप इसको टांग रहे हो तो वो जो धागा है वो लाल रंग का हो। आप मूली भी ले सकते हैं, और इसमें जो आपको तीन गांठें बांधनी है, नीचे चाहे यंत्र के साथ आप कितनी भी गांठें बांधें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पर आप जो काले धतूरे का पेड़ होगा उसमें आपको तीन गांठें बांधनी है। तीन गांठें बांधने के बाद बिना पीछे मुड़े वहाँ से आप चले आए, और देखिएगा कि एक हफ्ते के भीतर भीतर जो आप जो भी आपकी मुराद थी, जो भी आपकी कामना थी, वो स्वतः ही आपके सामने आ जाएगी, पूरी हो जाएगी। ये बहुत ही प्राचीन तंत्र है जो कि न जाने कितने वर्षों से छुपा पड़ा था, लेकिन आज आम जनता के सामने उजागर किया गया है। इस प्रयोग को करने से आप किसी को भी मोहित कर सकते हैं, किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, और ये सटीक काम करता है। लेकिन बात वही होती है कि सबसे पहली जो बात है वो है विश्वास की। अगर आपके भीतर विश्वास नहीं है और आप नकारात्मक बुद्धि के साथ पैदा हुए हैं, तो इन प्रयोगों को मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपका सिर्फ टाइम खराब करेंगे। लेकिन जिस किसी ने पूर्ण श्रद्धा के साथ, और जो मैं इसमें जो मटेरियल लगने हैं वो सारे असली लेकर इस प्रयोग को कर दिया, तो समझिए उसकी जो इच्छा पूर्ति है उसको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब हम किसी चीज़ पर अपनी पूरी ऊर्जा देते हैं तो ये कायनात उस चीज़ को आपके पास लेकर आती है, चाहे वो चीज़ वहाँ पर हो या ना हो, लेकिन आपको अपना पूरा जो ऊर्जा है वो अपनी पूरी ऊर्जा उस जगह पर देनी है, तो वो चीज़ आपके पास आती है। और यंत्रों मंत्रों में जो प्राण होते हैं वो आपका विश्वास ही होता है।
जब तक आप यंत्र मंत्र तंत्र में अपना विश्वास नहीं रखेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस प्रयोग में आपको अगर सफलता चाहिए तो मेरी इन शर्तों को मानिएगा और उसके बाद देखिएगा किस तरह से आपके काम बनते हैं। चलिए इसकी प्रिकॉशंस के बारे में जान लेते हैं। तो जो इसकी प्रिकॉशंस हैं वो ये हैं कि आपको मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना है। जो लोग भी मांस मदिरा का प्रयोग करते हैं वो इस प्रयोग को ना करें। गुटखा, बीड़ी, शराब, ये सब चीज़ें जो हैं वर्जित हैं। किसी भी प्रकार का अगर मादक पदार्थ आप लेते हैं तो इस प्रयोग को मत कीजिएगा। ये सब जो है आपके प्रयोग को विफल कर देंगे। यदि आप ऐसा कुछ यूज़ करते हैं, आपकी जो मति है वो कुसंगत की तरफ जाती है, तो आप मत कीजिएगा इसको, ये आपके लिए नहीं है। अगर आप कर्ज के तले दबे हुए हैं, पैसा आपके पास टिकता नहीं है, आता है चला जाता है, तो उस स्थिति में आप इसको कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, सारा जो सामान है वो ओरिजिनल होना चाहिए, कहीं से भी आप प्राप्त करें लेकिन असली होना चाहिए। अपने निकट में ही कोई काले धतूरे का पेड़ देखिए और उसके ऊपर इस यंत्र को टांग दीजिए। जैसे जैसे यंत्र हिलेगा वैसे वैसे आपकी जो मुराद है, जो आप चाहते हैं किसी को आकर्षित करना, वो पूरा होना शुरू हो जाएगा। ये लाखों लोगों पर आजमाने के बाद मैं आपको दे रहा हूँ। एक बार किसी पर लगा दिया तो समझिए ये काम करेगा ही करेगा। इसमें कभी मतलब विफल तो ये होता ही नहीं है, एक बार किया तो ये लगना ही लगना है। सबसे बड़ी बात ये कि जब आप इसको करें तो आप अकेले हों, कोई भी दूसरा आदमी आपके पास ना हो। यदि कोई दूसरा होगा तो फिर ये जो चीज़ है ये काम नहीं करेगी। आपकी जो आत्मा है सिर्फ आप ही अकेले हों और कोई दूसरा ना हो, क्योंकि अगर दो आत्माएं एक साथ रहेंगी तो ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। एकांत में जाएं और इसको करें और फिर मुझे बताइएगा कि कितनी जल्दी इसने आपके लिए काम किया। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9988416625 पर। और अगर किसी भी तरह का आपको प्रयोग करना हो और उसके लिए असली सामग्री चाहिए तो kalividya.com पर जाएं और वहां से सामग्री प्राप्त करें। धन्यवाद।